होता है ना पृथ्वी लोक पे, ये देवों के लिए ब्रह्म कुंड माना जाता है। तो ये आपने वासुकी ताल से मंगाया है? हाँ, हम पिछली बार अभी पांच दिन पहले हम केदारनाथ आए थे। अच्छा, तो उसमें भी जो है वासुकी ताल में बादल ढके हुए है ना, मार्ग बंद था। अच्छा, यहाँ के निजी लोग में कह रखा था कि मैं आप जा नहीं पाऊंगा, मैं गया था बद्रीनाथ, फिर पांच दिन वहाँ रहा, गए नहीं पाया, फिर आज आया तो वो लेके आए हुए थे पहले। तो ये होता है ब्रह्म कमल? हाँ, ये ब्रह्म कमल है। इसके अंदर मतलब वो वाला फूल है क्या जिसमें शिवलिंग सॉर्ट ऑफ और बहुत? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, इसके पत्तों से ऐसी मान्यता कि अमृत निकलती है, और इसे खिलता हुआ बहुत कम लोग दिख पाते हैं। ओके ओके, और ये जो पाते हुए बहुत भाग्यशाली ही होते हैं। ओके, और ये ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1000 सोने के पुष्प चढ़ाएं शिव जी के ऊपर और एक ब्रह्म कमल, दोनों एक समान है। जब नारायण जी ने शिव के ऊपर वहाँ बद्रीनाथ आदि केदार में जब कमल चढ़ाना प्रारंभ किया 1000 कमल, तो एक कमल उनके कम गए ब्रह्म कमल ना, तो अपने नयन को जो है निकाल कर, तो इस वजह से उनका जो नाम पड़ा कमल नयन, और उसी समय से इसकी मान्यता रखी गई। अच्छा, बहुत सारी मान्यता है। तो हम भी बहुत ज़्यादा वो हैं भाग्यशाली जो हमें ब्रह्म कमल देखने के मिला। दर्शन भी बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।